proper noun begins always in capital letter. Capital letter. अभी जितना भी बताया है प्रॉपर नाम, चाहे वो किसी आदमी का नाम हो या पर्सन का नाम हो, पर्सन का नाम हो या प्लेस का नाम हो, खास करके दो, पर्सन प्लेस, ये हमेशा और हमेशा वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका Be careful, careful while using article, article. जब हम article use करते हैं proper noun से पहले, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत ये है कि तीन तरीके से हम use करते हैं। यदि जनरल जनरल स्ट्रेंजर स्पेशल आर्टिकल तीन तरीके से यूज किया जाता है, किसी भी प्रॉपर नाउन के पीछे, किसी प्रॉपर नाउन के पीछे आर्टिकल का यूज नहीं होता है, कभी भी यूज नहीं होता है, लेकिन किसी खास स्थिति में, किसी खास सिचुएशन में आर्टिकल का यूज किया जाता है। यदि कोई पहचान का व्यक्ति हो, कोई पहचान का व्यक्ति हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई पहचान का व्यक्ति हो तो मान लीजिए मोनी is my friend, तो यहां पे मोनी is my friend, यहां पे आर्टिकल का यूज नहीं किया गया, आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि मोनी को क्या है, मैं जानता हूं, मोनी को मैं जानता हूं कि मोनी is my friend। लोकेश is asking a question, लोकेश क्या है, कोई क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, तो यहां पे लोकेश को ऑलरेडी हम जानते हैं, इसलिए यहां पे ए या द का यूज यूज नहीं किया है, लेकिन जब स्ट्रेंजर कोई रहता है तो उसके लिए ए और एन का यूज किया जाता है, स्पेशल के लिए नहीं, स्पेशल के लिए अभी हम कुछ नहीं बोले हैं, ये सिर्फ स्ट्रेंजर के लिए बोले हैं। जैसे कि एक सिचुएशन में क्रिएट करता हूं और समझने का प्रयास करना कि मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी नाम का कोई आदमी है और मिस्टर राजेश, मिस्टर राजेश नाम का कोई आदमी है, या दोनों फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड है और राजेश जी इससे इससे मिलने के लिए आए, राजेश जी मिस्टर चौधरी से मिलने के लिए आए हैं और मिस्टर चौधरी वो किसी काम से ऑफिस में या अपने बेडरूम में है, तो राजेश जी वहां पहुंचे और कहते हैं उसके नौकर से, यहाँ पे कोई नौकर है कि राजेश जी है, मिस्टर चौधरी है, तो बोले कि हाँ है, तो नौकर को बोले कि मिस्टर चौधरी को बता दीजिए कि राजेश जी मिलने के लिए आए हैं, लेकिन नौकर जो है इनको नहीं जानता, राजेश जी को नौकर नहीं जानता है, ऐसी स्थिति में नौकर मिस्टर चौधरी को जाके क्या बोलेगा,
एनी मिस्टर राजेश, वांट्स टू मीट यू। कोई राजेश नाम का आदमी है जो आपसे मिलना चाह रहा है, कोई राजेश नाम का आदमी है जो आपसे मिलना चाह रहे हैं, ऐसी स्थिति में एनी का यूज ये मौका कर रहा है, तो यहाँ पे एनी का यूज ना करके यहाँ पे ए का यूज किया जाएगा, ए का यूज किया जाता है। जब वो आदमी को नहीं पहचानते हैं तो उसके लिए हम ए का यूज किया जाएगा। तो ए मिस्टर राजेश वांट्स टू मीट यू, एक मिस्टर राजेश नाम का कोई आदमी है जो आपसे मिलना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में हम ए का यूज करते हैं। यहाँ द का यूज है, यहाँ पे ए और का यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे द का यूज है। द सामान्यतया प्रोपर नाउन के पीछे नहीं लगता है, द जनरली प्रोपर नाउन से पहले नहीं लगता है, लेकिन स्पेशल केस में, वहां पे लगता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, इन्हें तो सब जानता है, कि सचिन तेंदुलकर है, इनके पीछे तो ए और एम तो लगेगा नहीं कभी। लेकिन एक विशेष परिस्थिति होती है कि जब किसी को चुनना करते हैं, किसी को कंपटीशन करते हैं कि राजू ए तेंदुलकर और सचिन, सचिन एक ही है, वो मुंबई में रहते हैं, वो इंडिया के लिए खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे राजू को सचिन कहा जा रहा है, सचिन तो सचिन है, राजू कहा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति क्या है, एक सचिन तो यहाँ पे मुंबई में शो है और दूसरा सचिन कहाँ हो गए, ये राजू हो गया। और सचिन को ऐसे स्पेशल केस में तो हम ये नहीं जान सकते, वो क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बॉलिंग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि हम कंपैरिजन कर रहे हैं राजू को सचिन से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे द अवश्य रूप से लगाया जाता है, द अवश्य रूप से लगाया जाता है। तो यहाँ पे राजू द सचिन तेंदुलकर ऑफ सचिन, सचिन तेंदुलकर ऑफ माय स्कूल, ऐसा कर सकते हैं। एक स्पेशल केस इसी प्रकार से आ जाता है, जैसे कि किसी को उपाधि दिया गया हो, जैसे कि महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी, इनका प्रॉपर नाम नहीं है, महात्मा गांधी इनका प्रॉपर नाम नहीं है, इनको उपाधि दिया गया, इनको स्पेशल नेम से इनको बुलाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में द महात्मा गांधी हम बोलते हैं, द महात्मा गांधी बोलते हैं, क्योंकि इनको स्पेशल नाम से बुलाया जाता है, द ग्रेट ब्रिटेन।